नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिमिन। हमने रेस्टोरेंट बिजनेस चलाता है तो हमको सबसे ज़रूरत है जो दोस्तों एक बिलिंग सॉफ्टवेयर का ज़रूरत है, क्योंकि जब भी आपने एक बिलिंग सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर सिस्टम लगाएंगे, कस्टमर को कंप्यूटराइज्ड बिल देंगे यानी प्रिंटर से अपना जो लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करके जो काम करेंगे, उसमें क्या होता है आपको मतलब अपने कस्टमर को एक फील अलग होता है दोस्तों, यानी एक प्रोफेशनल फील होता है उन्होंने। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने टेबल सिस्टम लगा दिया, फॉर एग्जांपल आपका जो रेस्टोरेंट में बहुत सारा टेबल्स है जो कस्टमर कई बार रिपीट करके ऑर्डर करेंगे, तो आपका सप्लायर आप खुद कंफ्यूज होंगे किसको किसको कितना कितना दिया हुआ है। ये सब कुछ हमने वेरी सिंपल वे में अपना रेस्टोरेंट पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में हैंडल कर सकता है। हमेशा कोई भी सप्लायर रिपीटेडली ऑर्डर करना चाहिए, तुरंत उसको केओटी क्रिएट कर दीजिए। मतलब उसमें क्या होता है ना कि कस्टमर को भी डाउट नहीं होंगे, हमको भी डाउट नहीं होंगे, वो जितना भी मतलब फूड आइटम्स लिया हुआ है सबका बिल प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे दोस्तों। तो मैंने आपको अपना जो बिलिंग सॉफ्टवेयर का होम स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ, ये वेरी सिंपल सा वे में आपने इसको चला सकते हैं दोस्तों। मैं आपको देखो इसको इंटरफेस में आपको चालू करता हूँ। देखो ये इस तरीके से दिखता है दोस्तों, इसका देखो ये इसमें क्या क्या है फैसिलिटी में आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। इसमें ऊपर आप जाइए, इसमें सबसे पहले डाइनिंग है। डाइनिंग बोला जाता है जो आपका टेबल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कस्टमर टेबल बहुत सारे टेबल लगा दिया तो टेबल में बैठ के जो फैमिली होती है, जो बैचलर्स होती है, जो भी टेबल मैनेजमेंट, इवन आपको चेयर मैनेजमेंट सिस्टम इसी में हो जाएंगे, है ना। उसके अलावा आपको क्या मिलता है, टेक अवे का फैसिलिटी है, होम डिलीवरी का फैसिलिटी है और एक्सप्रेस बिलिंग का भी फैसिलिटी है। एक्सप्रेस बिल होम डिलीवरी आप पता है आपको, और एक्सप्रेस बिलिंग क्या होता है, जस्ट मतलब सिंपली बिलिंग करके छोड़ देता है, वो हाई स्पीड होता है, केओटी और केओटी एंड जो बिल होता है दोनों एक साथ आती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे डाइनिंग, यानी आपको जो टेबल्स होती है, टेबल मैनेजमेंट किस तरीके से होते हैं, ये एक्स्पेशली किसके लिए, जो रेस्टोरेंट में जो कस्टमर आके मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर करता है, ये के चेयर में सबसे पहले फॉर एग्जांपल बिरयानी ऑर्डर किया, फिर चाय ऑर्डर कर दिया, फिर और कुछ पानी पूरी ऑर्डर किया, एग्जांपल इस तरीके से कंटिन्यू ऑर्डर करके जा रहे हैं, तो आपको प्रॉपर एक ट्रैक मिलना चाहिए, तो इसके लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे नीचे आपको इधर नीचे बॉटम साइड में आपको टेबल बोल के दिखाई देता है, टेबल, तो आपने टेबल में क्लिक कर दिया। देखो इसमें कितनी भी टेबल आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, हमने 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 टेबल ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखा है। आपके पास अगर 10 टेबल है यानी 20 टेबल है, जितने भी टेबल है आप इसमें क्रिएट कर दीजिए। अगर देखो इसमें कुछ टेबल्स में आपको कुछ अमाउंट दिखाई दे रहा है, देखो ये 1150 और 120 रुपीज जो भी है, रीजन क्या है, इस टेबलों में कोई कोई अभी बैठ के अभी प्रेजेंटली खाना खा रहे हैं ना, उनका बिल ऑलरेडी मतलब जनरेट हुआ, बिल मतलब खाना डिलीवरी किया लेकिन बिल बनाया नहीं क्योंकि कस्टमर उधर ही बैठा हुआ है, चेकआउट नहीं किया यानी क्लियरली बोलेगा। तो फॉर एग्जांपल हमने देखो ये T1 मैंने सेलेक्ट कर देता हूँ, देखो T1 है ना, T1 में मैंने क्लिक कर दिया, मतलब T1 टेबल में कोई आके बैठा हुआ है, तुरंत इधर आपको T1 करके दिखाई भी देंगे, वो T1 का आदमी क्या क्या ऑर्डर किया। फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट देखो देखो इधर मेन्यू आइटम सारे इधर ऊपर आपको दिखाई देती है, देखो ये इधर जितना भी आता है ना, ये मेन मेन्यू बोलता है, मेन मेन्यू यानी ब्रेकफास्ट हो गया, बर्गर हो गया, जैसा डिनर हो गया, लिकर हो गया, और लंच हो गया, पिज्जा, जैसे मेन आइटम्स है ना। जैसे ब्रेकफास्ट में अगर क्लिक किया तो ब्रेकफास्ट का बहुत सारे आइटम्स नीचे आती है, देखो चाय, कॉफी, इडली, मसाला डोसा, पानी पूरी, ये क्या होता है, टी, ब्लैक टी, वड़ा, इडली, वड़ा सांभर, ये सब आइटम्स वो मेन्यू के अंदर है। जैसा हमने अभी क्लिक कर दे रहा हूँ बर्गर में, क्लिक कर दे रहा हूँ बर्गर में क्या क्या है, देखो बर्गर में हमने क्लिक कर दिया, चिकन बर्गर, एग बर्गर, मीट बर्गर, वेजिटेबल बर्गर, जो भी है विथ इमेज आपके साथ आ जाती है। डिनर में क्या क्या है, डिनर में मटन बिरयानी है, लिकर में क्या है, मात्र ब्लैक लेबल डाला हुआ है मैंने, आप जो भी डालना आप डाल सकता है, लंच है ना, लंच में क्या क्या है, चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी सब डाला हुआ है ना। लिकर में आपको थम्स अप यानी कोका कोला यानी पेप्सी सब कुछ ये लिकर आइटम्स में आप डाल सकते हैं, इवन इंक्लूडिंग दारू भी डाल सकता है आपके हिसाब से, ठीक है जी। अगर आपको आपके पास जो जो मेन्यू है वो डालना है जी, आप समझ लो आपके पास ये सब मेन्यू नहीं होता, दूसरा आइटम्स होते डालो, ये सब हम निकाल सकते हैं, यानी इसके अंदर जितना भी मेन्यू है हम सब निकाल के अपना मेन्यू अपलोड करेंगे विद अपने फोटो के साथ, है ना। ये सब हमारा टीम करके देंगे आपको, नो प्रॉब्लम, हमारा डेडिकेटेड कस्टमर केयर टीम होती है राइनटेक पीओएस का, वो लोग आपको मतलब
जो भी हेल्प करना है इसमें कर देंगे जी दोस्तों। आप अपना फोटो दीजिए, हम अपलोड करके देंगे, आप खुद भी अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ किस तरीके से वो अपलोड करना है, वेरी सिंपल वे में आप अपलोड कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई मतलब बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, वो जो टेबल के अंदर हमने T1 कुछ टेबल सेलेक्ट किया, तो उसके अंदर जो आदमी बैठा हुआ है कॉफ़ी ऑर्डर किया, और इडली है जो इडली देखो ना, इडली सेट ऑर्डर किया, और समझ लीजिए मसाला डोसा, ये जो ना मसाला डोसा भी ऑर्डर किया, तो जो भी ऑर्डर करते हैं आपको इधर दिखाई देती है। आप इसको सेव एंड प्रिंट कीजिए दोस्तों, सेव एंड प्रिंट नीचे, यहाँ आपको सिर्फ क्या होता है ना, मात्र KOT आ गया जी। देखो KOT आ गया, ये आपको शायद दिखाई देती है आई थिंक, है ना, ये KOT आया हुआ है। ये KOT में क्या होता है, मात्र टेबल का नंबर आएंगे और क्या क्या आइटम्स है, कॉफी इडली सेट मसाला डोसा जो भी है, टोटल थ्री आइटम्स। ये मात्र किचन में प्रिंट होता है। किचन में प्रिंट होने से क्या होता है, वो किचन का आदमी जब भी तैयार करके उसका जो मतलब उधर रखेंगे ना शेल्फ में, तो जो से सर्वर आदमी है यानी उसको वेटर बोलता है, वेटर को लेकर के वो जो टेबल नंबर उसमें देख सकते हैं, हाँ ये T1 टेबल है, उधर सीधा आके रख सकता है। यानी कोई भी पूछने का नहीं, हाँ ये किधर का खाना है, ये किधर का खाना है, नो वरीज, है ना, सिंपल सा वे में वो वेटर को समझ जाएंगे किधर का है। तो अभी तुरंत आपने वापस जाइए टेबल में, देखो 190 रुपीज का टोटल उन्होंने मतलब ऑर्डर करके रखा हुआ है T1 में, देखो T1 के अंदर, देखो T1 है ना 190 रुपीज। अगर T1 का आदमी फिर ऑर्डर करता है, वो T1 आप फिर सेलेक्ट करिए, आपने उन्होंने वड़ा सांबार ऑर्डर कर दे रहा हूँ, टी ब्लैक टी ऑर्डर कर रहा हूँ, उसका क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकते हो, एक एक को मतलब इधर देखो प्लस बटन देखो 3-4 जो भी है आप बढ़ा सकता है। आप देख रहे ना जी, देखो इधर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वड़ा सांबार को आप मैंने रसोंगर को देखो, इसमें आपने क्लिक करके ना जी, देखो इधर एक प्लस बटन माइनस बटन है, देखो ये जो दिया हुआ है प्लस एंड माइनस, इसमें आप प्लस कर दीजिए, देखो ना 2, 2, 3, 4, आप इस तरीके से ऑर्डर कर सकते हो। आपने सिर्फ फिर सेवा वाली प्रिंट कर दीजिए, KOT मात्र आएंगे, KOT किचन में निकलेंगे, किचन ये जो प्रिंट आता है किचन के लिए होता है, इसमें भी देखो कितना कितना आइटम्स है। अभी हम वापस जाके देखेंगे टेबल में, क्लिक करो, देखो 790 रुपीज़ हो गया दोस्तों, पहले इसमें कुछ 100 एंड समथिंग था, अभी देखो 790 रुपीज़ हो गया। यानी जितनी भी रिपीटेडली ऑर्डर करेंगे सब अपने आप काउंट होकर निकल जाएंगे इसमें। और समझ लीजिए ये जो कस्टमर फाइनली और एक आइटम ऑर्डर कर दे रहा हूँ, सेम आपने वो टेबल को सेलेक्ट कीजिए T1, आप फॉर एग्जाम्पल लिकर ना, लिकर छोड़ो, लिकर मत खाओ, शराब अच्छा नहीं है दोस्तों, हम कोई बर्गर दे रहा हूँ, बर्गर उसको देखो मीट बर्गर दे रहा हूँ, मीट बर्गर 700 रुपीज़, ये भी आ गया देखो मीट बर्गर किचन में के लिए, किचन के लिए है। किचन का भी जितना भी प्रिंट होता है ना छोटा होता है दोस्तों, क्योंकि वो मतलब आइटम का नाम होता है सिर्फ। फिर हम जाएंगे टेबल में, देखो 1000 आसपास हो गया जी उसको, जो T1 का जो कस्टमर जो बैठा हुआ है उन्होंने 1090 रुपये का सामान ऑर्डर कर चुका है फूड। अभी बोलते ये जो आदमी को यानी चेकआउट करना है यानी उसको घर जाना है, मतलब रेस्टोरेंट से जाना है, तो आपने क्या आना क्या करना है, जो ये जो डाइनिंग बिल का बिल्कुल ठीक बाजू में आपको डाइनिंग बिलिंग दिखाई देती है, देखो इधर डाइनिंग बिलिंग, इस पर क्लिक कर देना जी दोस्तों। इस पर क्लिक करने से देखो जितना भी लोग करंटली अपना टेबल यूज़ करता है वो सारे टेबल का लिस्ट आपको इधर दिखाई देता है, खाली टेबल का नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 टेबल है, यानी सॉरी 15 टेबल्स है, 15 टेबल्स में 3 टेबल में आदमी बैठे, तो खाली 3 के लिस्ट इधर आएंगे। आप इसमें देखो ये जो टेबल का लिस्ट यहाँ ही आती है ना, ये इसमें आपने टिक किया तो इधर उन्होंने क्या क्या करंटली ले रखा है सब का लिस्ट इधर नीचे आएंगे दोस्तों। देखो ये इस तरीके से देखो ना, यहाँ आ जाती है और उसका टोटल अमाउंट इधर आ जाती है ना। आप सीधा क्या कर दीजिए, कैश फॉर एग्जाम्पल राइट साइड में उन्होंने कितना भी कैश अमाउंट है, समझ लीजिए 1500 रुपीज़ का करंसी उन्होंने दिया हमको, इधर आप टाइप कर दीजिए 1500, ओके 410 रुपये उसको बैलेंस देना है दोस्तों, है ना, देखो 410 रुपये उसको बैलेंस देना है। बाद में आपको क्या करना है, इधर देखो सेव एंड प्रिंट बोल के एक ऑप्शन है, ये अगर क्लिक कर दे ना ये यहाँ से निकल जाएगी, अगर बिलिंग किया ना ये यहाँ से उसको जो नाम जो है निकल जाएगा, T1 जो है अभी करंटली है ना जो निकल जाएगा। अभी मैंने सेव एंड प्रिंट करता हूँ, यस कर दे रहा हूँ, देखो वाओ आपका लोगो ऊपर आया हुआ है, ये लोगो मैंने मतलब एक हल्का सा लोगो डाला था, अच्छा अपना अच्छा से लोगो बना के डाल देना जी, और उन्होंने देखो उसका एकदम प्रॉपर तरीके से बिल निकल के बाहर आ जाएंगे दोस्तों, टोटल अमाउंट क्या है क्या है क्या है सब कुछ, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इनवॉइस है दोस्तों।
मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ, डोंट वरी। और ये हो गया, देखो ये आपको लेफ्ट साइड में तुरंत देख सकता है दोस्तों, ये देखो ये निकल गया यहाँ से, T1 निकल गया है ना। आपको T2 में, T2 का आदमी क्या क्या खाया और T4 का आदमी क्या क्या खाया, सब कुछ इधर आपको दिखाई देंगे दोस्तों। इस तरीके से आपने वेरी सिंपल समय में या अपना जो इसका जो टेबल मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल कर सकते। फॉर एग्जाम्पल T4 का आदमी को एक बिल बना देंगे हमने, T4 का आदमी क्या क्या देखो कितना कितना खाया, उसको टोटल अमाउंट आपने इधर टाइप करो, समझ लिए 2000 रुपये उन्होंने दिया हुआ है, यू नो 700, यस कीजिए, तो T4 का भी बिल इस तरीके से यहाँ बन जाते हैं दोस्तों, है ना। इस वे में आपको उसमें देखो उन्होंने कितना अमाउंट दिया हुआ है, कितना चेंज बैलेंस कितना दिया हुआ है, सब कुछ ए टू जेड चीज आपको पहुंच जाएगा दोस्तों। ये जो है ना जी एकदम आसान तरीके से डाइनिंग करने के लिए, डाइनिंग बिलिंग करने के लिए एक फैसिलिटी है दोस्तों, ये जो रेस्टोरेंट बीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर। इसमें फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या और फैसिलिटी मैं बता रहा हूँ, गेट डेटा में क्लिक किया तो आपको जो जो आदमी बैठा हुआ है सबका, मतलब जितना भी बिल ओपन है, क्लोज है, यानी किस किस का बिल बनाना बाकी है, सारे डिटेल्स इधर मिल जाएंगे। देखो इस तरीके से हो जाती है। और इसमें देखो फॉर एग्जांपल एक टेबल में आके कस्टमर बैठ गया, उन्होंने कुछ ऑर्डर कर दे रहा हूँ, वो टेबल चेंज करने के लिए भी फैसिलिटी है। देखो इधर यानी वो टेबल में लाइट नहीं है, समथिंग लाइक दिस, कस्टमर को फील हो गया हमको सामने वाले टेबल में बैठेंगे, तो ये सारे जितना भी ऑर्डर करके रखा वो सारे के सारे टेबल तुरंत आपने शिफ्ट करने के लिए भी फैसिलिटी इसमें दिया हुआ है ना। इस तरीके से एकदम यूजर फ्रेंडली यानी टेबल मैनेजमेंट सिस्टम इस रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर में है दोस्तों। और इसमें हमने और एक दिखाएंगे आपको एक्सप्रेस बिलिंग, अब बाकी भी जो भी आप कर देना। देखो एक्सप्रेस बिलिंग में क्या होता है, कुछ आइटम्स आपने सडनली सेलेक्ट करो, सेवा डिपेंड कर दीजिए आप, इसमें क्या होता है ना एक्सप्रेस बिलिंग में आपको यानी इमिडिएटली करके मतलब दोनों प्रिंट आ गए, देखो ये KOT भी आ गया ऊपर, एक ये जो बिल भी आया हुआ है, यानी इस तरीके से एक्सप्रेस बिलिंग भी आपने कर सकता है दोस्तों। एक्सप्रेस बिलिंग वो भी देखो जितना भी मेन्यू आपको इधर दिखाई देती है सारे मेन्यूज यहाँ आती हैं, ठीक है जी, और लिकोर डिनर सब कुछ है ना, वो डायरेक्टली फटाफटक से सेलेक्ट, इवन टच स्क्रीन में भी आपने इस तरीके से सेलेक्ट कर दीजिए, आप सेवा प्रिंट कर दीजिए तुरंत इमिडिएटली KOT भी आ गया। अगर किचन में सेपरेट प्रिंटर आपने रखेगा तो वहाँ आके प्रिंट हो जाएंगे वो, उस तरीके से होगा। अच्छा सुनिए मैं इसका बैक ऑफिस भी थोड़ा दिखा देता हूँ दोस्तों। ये जो सॉफ्टवेयर का बैक ऑफिस आपको जैसे इस तरीके से दिखता है दोस्तों, इसमें आपको मेनू आइटम्स अपलोड कर सकता है, कितना सेल हो गया सारे रिपोर्ट देख सकता है, POS में कितना सेल हो गया, काउंटर मतलब आपको जो एक्सप्रेस बिलिंग यानी टेबल सेल्स में कितना हो गया, एक्सप्रेस बिलिंग में कितना हो गया, सब अलग अलग रिपोर्ट सब कुछ मिल जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर मेनू कैसे ऐड कर सकता है। देखो इधर जाइए आपने मेनू आइटम्स, मेनू आइटम्स में आपने अगर क्लिक करने से देखो जितने भी मेनूज हैं आपको इधर दिखाई देंगे। आपको एक्सेल शीट का तौर भी आप अपलोड कर सकता है इनके सब आपके पास बहुत सारे फूड आइटम्स अगर है तो, अगर स्मॉल क्वांटिटी है आप पिक्चर के साथ वन बाई वन ऐड कर दीजिए, वो आपको बहुत अच्छा मतलब ईजीएस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप साथ साथ पिक्चर भी ऐड करके जा सकता है। सो सबसे पहले आपने क्या कर दीजिए, इधर देखो आइटम का नेम इधर डाल दीजिए। आइटम का नेम डालने के पहले आप क्या कर दीजिए, एक इमेज आप डाउनलोड कर दीजिए आपने जो आइटम्स अपलोड करने का है। एग्जाम्पल हमको लड्डू LADDU JPG इमेज डाउनलोड करना, ठीक है जी। अगर आपके पास रेडीमेड आपका फूड जो है, ठीक है ना, उसका आप अपना फोटो खींच के भी डाल सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं उसमें। फॉर एग्जांपल ये जो लड्डू हम ऐड कर दे रहे हैं, देखो ये जो लड्डू सेव इमेज, इसको राइट क्लिक करना, सेव इमेज आज JPG, इधर आपने चेक कर देना JPG है क्या, JPG इमेज आपने डालना है इसमें, ठीक है जी। कभी कभी PNG इमेज भी आते हैं, ये आपने लड्डू करके इधर डाल, LADDU लड्डू करके आपने डाल के डेस्कटॉप पे सेव कर दिया दोस्तों। ये जो इमेज हमने इधर रखा हुआ है डेस्कटॉप पे, ठीक है जी, बहुत ब्यूटीफुल लड्डू है, ठीक है। ये हमको अपना जो सॉफ्टवेयर के अंदर डालना है, सेल भी करना है, दिखाता हूँ। आप सीधा अपना सॉफ्टवेयर का बैक ऑफिस खोलो इस तरीके से। आप इधर देखो मेनू आइटम्स में जाइए, मेनू आइटम्स में गया, इधर आपने टाइप करो LADDU लड्डू। आप इधर पिक्चर चेंज कर दीजिए, आपने सबसे पहले इधर लड्डू का पिक्चर आपने सेलेक्ट कर दिया, ओपन कर दिया। फिर आपने जो ब्रेकफास्ट में ना कौन सा भी कैटेगरी आपने क्रिएट कर सकते हैं। हाँ मैंने फिलहाल इधर देखो ब्रेकफास्ट में डाल दिया, और किचन कौन सा किचन से बन के आता है वो भी डाल दीजिए आपने। राइट आपने ऐसा डाले, एक पीस का डालो, 10 पीस का डालो, आपके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पीस का डालेंगे 20 रुपये, एग्जाम्पल
किधर भी आपको अलग अलग प्राइस इधर डालने के लिए ऑप्शन है। वो जैसे फॉर एग्जांपल होम डिलीवरी के क्या प्राइस है, समझ ले एसी रूम में बैठ के खा रहे हो, या हमारे रेस्टोरेंट के अंदर भी एसी रूम के अंदर बैठ के खाता है, वो अलग प्राइस डाल सकता है। मैंने अलग अलग प्राइस डालता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएंगे। देखो 40 रुपीज़, यानी स्विगी में अगर ऑर्डर किया तो 50 रुपया, जोमेटो में ऑर्डर किया तो 60 रुपीज़, ऊबर में ऑर्डर किया तो 70 रुपीज़, ये एक लड्डू का प्राइस है दोस्तों। एक्सप्रेस बिलिंग में हो गया तो 90 रुपीज़। एग्जाम्पल देखो मैंने क्या क्या डाल दिया आपको दिखाता रहा हूँ। देखो लड्डू बोल के नाम है, मैंने सबको अलग अलग प्राइस दिया हुआ है, क्योंकि आपको मतलब वो अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। लड्डू का इमेज अपलोड कर दिया मैंने, इधर सीधा सेव बटन में क्लिक कर दिया, सेव कर दिया दोस्तों, सक्सेसफुली सेव हो गया। कहाँ सेव हो गया? ब्रेकफास्ट आइटम में। आप इसको क्लोज कर दीजिए, अपना जो सॉफ्टवेयर दोबारा खोल दीजिए, रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर 1 2 3 4 उसका पासवर्ड है। कैशियर कंट्रोल, इधर दो कंट्रोल आपको मिलता है, एक कैशियर कंट्रोल, एक एडमिन कंट्रोल। एडमिन कंट्रोल में जो अभी हमने देखा वो पैनल है, कैशियर कंट्रोल में गया तो आपको फ्रंट ऑफिस दिखाई देंगे, देखो इस तरीके से। तो आप जाइए, देखो डाइनिंग बिलिंग में जाओ, आप ब्रेकफास्ट सेलेक्ट कीजिए, आपको इधर दिखाई देंगे लड्डू। देखो इधर आ गया दोस्तों, है ना, इधर लड्डू आ गया दोस्तों, देखो 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 थोड़ा सुन, देखो है ना लड्डू दिख रहे हैं ना ये आपको, ये अभी जस्ट हमने ऐड किया था, वो इमेज के साथ यहाँ आया हुआ दोस्तों। समझ लीजिए आपने इधर सेलेक्ट करोगे ना, देखो 90 रुपीज़ आ गया, 90 रुपीज़ आ गया, है ना। आप इसको देखो, इसको दोबारा हमने देखो स्विगी में सेलेक्ट करो, स्विगी, स्विगी में अगर सेलेक्ट किया तो क्या होता, 50 रुपये आ गया दोस्तों। देखो 50 रुपये आ गया स्विगी का प्राइस, है ना। अगर हम समझ लीजिए आपने जोमेटो में क्या प्राइस डाला था, देखो 60 रुपीज़ डाला था, है ना। अलग अलग इवन डाइन में क्या प्राइस डाला था, डाइन में गया कोई टेबल में बैठ के खाना खा रहा, मतलब वो लड्डू खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट सेलेक्ट कर दिया, देखो लड्डू सेलेक्ट किया, क्या प्राइस है, 20 रुपीज़, है ना, 20 रुपीज़ का लड्डू, है ना। मतलब आपके कंट्रोल में रहेगा जी आपका प्राइसिंग, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्राइस आपने डाल सकता है। जैसे लड्डू डाल दिए 90 रुपीज़ से, वाले प्रिंट आपको सीधा दो प्रिंट आ जाएंगे, मतलब एक्सप्रेस बिलिंग में दो प्रिंट आता है, एक किचन के लिए एक आता है, एक कस्टमर के लिए आता है, और अपना जो सॉफ्टवेयर के अंदर सेव हो जाती है दोस्तों सब कुछ। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, अपने बैक ऑफिस में जाइए, बैक ऑफिस, यहाँ आपको POS रिपोर्ट बोल के एक बटन दिखाई देंगे, राइट साइड में आपको दिखाई देती है आई थिंक POS रिपोर्ट है ना, इधर राइट साइड में ऊपर, सबसे ऊपर से सेकेंड बटन क्लिक कर दो उसको। देखो आज का डेट आपने इधर ऑटोमेटिकली आ जाती है। आप इधर देखो व्यू रिपोर्ट बोल के एक व्यू ओवरऑल रिपोर्ट है ना, व्यू ओवरऑल रिपोर्ट में जाइए, उसमें आपने अगर क्लिक किया था ना आज का दिन में कितना कितना सेल किया, सारे रिपोर्ट इधर आ जाएंगे दोस्तों। देखो दोस्तों है ना, सारे के सारे रिपोर्ट इधर आ गए, देखो है ना, टोटल इतना रुपये का सेल हो गया था, और देखो स्विगी में कितना ऑर्डर किया था, सोमाटो में कितना ऑर्डर किया था, सब कुछ, बर्गर कितना है, ये मतलब कैटेगरी वाइज भी आपको इसमें रिपोर्ट मिल जाते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। देखो इतना ब्यूटीफुल, यानी रिपोर्टिंग सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है। देखो देखो इसके अंदर आपको दिखाई देती है स्विगी में कितना बिल हो गया, देखो एक्सप्रेस बिलिंग में कितना बिल हो गया, है ना, जोमेटो में अगर बिल किया तो वो आ जाएंगे। देखो इधर हमने देखो जोमेटो में कुछ भी इधर 0 है, आज के दिन में जोमेटो में एक बिल करके देखेंगे, देखेंगे फ्रंट ऑफिस में जाएंगे हम, आप अपना जो फ्रंट ऑफिस में जाइए, सॉरी बैक ऑफिस नहीं, फ्रंट ऑफिस में जाइए आप, देखो ये एक्सप्रेस बिलिंग में जाइए, आपने जोमेटो सेलेक्ट कर दो, और अपना लड्डू अभी जो ऑर्डर किया था लड्डू है ना, 700 कीजिए, यस कीजिए, है ना, 120 रुपीज़ का मैंने बिल बनाया हुआ है। हम जाके पीछे अकाउंट्स रिपोर्ट में जाके देखेंगे, हमारा POS रिपोर्ट इधर राइट साइड में जो POS रिपोर्ट है क्लिक कीजिए, और आज के दिन में ओवरऑल रिपोर्ट देख लीजिए आप, इसको ज़रा जूम कीजिए, इसको जूम करने के लिए इधर बटन दिया हुआ है, देखो जूम, ज़्यादा जूम हो गया, थोड़ा सा कम जूम करता हूँ, यस देखो ना, जोमाटो 120 रुपीज़ का बिल बन गया ना जी दोस्तों, जोमाटो। इस तरीके से हर हर मतलब काउंटर में कितना सेल होता है, क्या टेबल में कितना बिल बन गया, मतलब आपको एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएंगे जो दोस्तों इसमें क्या क्या मतलब रिपोर्ट्स मिलता है। इस तरीके से इतने सारे फीचर्स मैंने इसमें, देखो SMS का भी फैसिलिटी है इसमें, जैसा फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर को जनरल SMS सेंड करना, इसमें कोई SMS का नंबर डाला नहीं है, मतलब फोन नंबर कस्टमर का क्रिएट करना पड़ेगा तभी जाके वो काम करना लगेगा यानी। और दूसरे क्या है, उसको रजिस्ट्रेशन का भी सारे फैसिलिटी है, आप अपना जो जितना भी अपना जो यूजर होता है ना जी, जो एडमिन, जो कैशियर वगैरह, अगर कैशियर को आपने अकाउंट बना दिया तो ना जी, ये बैक ऑफिस को एक्सेस नहीं मिलेगा कैशियर को,
कैशियर को मात्र ये वाला पैनल का एक्सेस मिलेगा, ये वाला पैनल का, सॉरी ये नॉट नॉट जिस ये वाला पैनल का एक्सेस मिलेगा, यानी वो मात्र बिलिंग कर सकता है दोस्तों, और कुछ काम नहीं कर सकता वो कैशियर को। तो आपने ये सॉफ्टवेयर अगर अपने जो रेस्टोरेंट में भी लगा के जाओगे, तो आपने बाहर जाइए अपने कैशियर को रखा जाइए, वो कोई काम नहीं कर सकते, मात्र वो सेल करके चला जाएंगे दोस्तों। और आपने जब ही मतलब आप शॉप का ओनर जब भी वापस आएंगे, वो बैक ऑफिस खोलेंगे, मतलब ये वाला जो पैनल खोलेंगे बैक ऑफिस, ये खोल के आपको अपना हिसाब कितना हो गया, आज कितना सेल हो गया, एक टू से रिपोर्ट उससे ले सकता है दोस्तों। उसको बोलेंगे हाँ आज 6,000 का सेल हो गया, देखो उसमें आपने खोल के POS रिपोर्ट में जाइए कितना रुपये का टोटल सेल हो गया, इधर सबसे नीचे आपको दिखाई देते हैं दोस्तों, है ना, देखो 200 करके, देखो सबसे नीचे आपको टोटल इधर कितना कैश हाथ में आया हुआ है, सारे सारे का रिपोर्ट इधर प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे दोस्तों, है ना। ये तुरंत आपको POS प्रिंटर में भी प्रिंट कर सकता है, ऐसा कोई मतलब आपको ईजी हो जाएंगे, तो रिपोर्ट भी देख सकता है दोस्तों। इस तरीके से एक वंडरफुल रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, रेनडक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर का रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।